ने हमेशा मेरे लिए सही फैसले लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, स्कूल हो, दोस्त हो, और जाते जाते भी एक बहुत बड़ा पर बिल्कुल सही फैसला लिया आपने पापा। कार्तिक बहुत अच्छे हैं, मेरा खूब ख्याल रखेंगे। हाँ अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है एक नए रिश्ते में बंधने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी पापा कि नायरा के जाने के बाद जिस दुख और उदासी से उनका जीवन भर गया है उसे अपने प्यार से दूर कर दूं। आज अपने स्पेशल डे पर मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ पापा कि एक बार कार्तिक ने मेरा हाथ थाम लिया फिर मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा पापा, कोई नहीं। कल मैंने नॉक नहीं किया। नो प्रॉब्लम, बहुत पॉपुलर है सुषमा, ये वॉशरूम किधर है? ओके ओके उधर जाना है। वेदिका मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ही का घर है और आप परमिशन मांग रहे हैं। हाँ घर मेरा है पर कमरा तो आपका है ना। वेदिका गैरव यहाँ आया क्या? हाँ वॉशरूम गया है। इतना ढूंढ रहा था, ऐसे ही भाग गया, कुछ बताया नहीं उसने, मैं डर गया। बच्चे ऐसा ही करते हैं, आप बहुत अटैच्ड फील करते हैं ना उससे। यही तो पॉबल है शायद। पॉबल? आप नकली के पापा हैं या असली के? बात भी दोनों एक ही जैसे करते हैं। आप कितनी सुंदर लग रही हो। ये लड़की तो जान ही ले रही है। आपने ना मेरा आज दिन बना दिया, आपको पता आप कितने क्यूट हो। एंड थैंक यू सो मच। कार्तिक सुना आपने? आप वर्ल्ड की सेकंड ब्यूटीफुल लेडी हो। आई नो, क्योंकि फर्स्ट तो आपकी मम्मा है ना। हाँ वो बेस्ट है, सबसे प्रिटी, सबसे अच्छी और सबसे सुंदर है ना पापा। बोलो ना देविका। देविका आपका नाम है ना? नहीं वेदिका। अच्छा कायरव के पापा बताइए ना कायरव की मम्मा कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर है वो, इतनी जितनी कोई हो ही नहीं सकती। She is the most beautiful. She is the best. मेरे पापा भी बेस्ट हैं, दोनों की जोड़ी भी बेस्ट है ना पापा। मेरी मम्मा पापा जैसा कोई कपल नहीं है। एक्सक्यूज मी। ओ लीजा अंदर आओ। तो कब आ रही कारव की मम्मा, मेरा मतलब मेरी वाइफ, कब आ रही है वो? तुम दो मिनट इधर आओगे, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कायरव मुझे ये बताओ आप कौन से स्कूल जाते हो? लिटिल ऑकरेड। अब वो कायरव की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? कब, कहाँ है वो सब, कैसे कैसे हुआ ये? मैं चलूँ आपके साथ? नहीं 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 कुछ मेजर नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट आई है, हल्की फुल्की। वो वापस होटल जा रही है और हमें भी वहीं आने को कहा है जहाँ हमारा रूम है, होटल पलाश। और हमसे भी वहीं आने को कहा है और कहा है कि मैं तुम्हें कह दूँ कि
वो तुमसे किसी और रोज मिल लेगी। और प्लीज तुम कायरव को रोकना मत, एंड इफ पॉसिबल तो तुम उसे जाने के लिए मना लेना। आई एम श्योर वो तुम्हें मना नहीं करेगा। कार्तिक से भेजेगा भी या नहीं? कायरव, बेटा प्लीज पापा की बात मान लो, प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरी बात मान लो। मम्मा बुला रही है ना वो आपको? वो खुद क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर? उन्होंने कहा ना उन्हें काम है, वो नहीं आ सकती। पर आप चलो, आप क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, ठीक है, तो आप चलो, मैं थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ जाता। प्रॉमिस? प्रॉमिस, आप जाइए, मैं बस पीछे आ जाऊंगा। पक्का आना, मैं फिर से भागकर आपके पास आ जाऊंगा। कायरव, ये लो, हमारी तरफ से आपके लिए। मुझे पता है आप मुझे पैसे दे रही हो ना, क्योंकि मैं पुलिस में कंप्लेन ना करूं। जी, ये शैतान कहीं के। ताई दादी तो मुझे कभी ऐसे प्यार नहीं करती। अच्छा हाँ, सब लोग तो एक्टिंग ही कर रहे हैं ना। ताई दादी भी उसे झूठ झूठ का प्यार कर रही होगी। ये सिक्का भगवान के चरणों से उठा के आपको दिया है, हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारी रक्षा करेगा। थैंक यू। सच में बिल्कुल किट्टू जैसा है, बचपन में ऐसा ही था किट्टू। पापा बेबी तो सेम सेम होते ही है ना, कितनी बुद्धू बात की है। गौम, जल्दी से मम्मा पापा का जरूरी काम खत्म करके सबके साथ सगाई कराना। कायरव, चले प्लीज। रुको प्लीज, आई नो तुम्हारे घर में फंक्शन है, अभी गेस्ट आने वाले होंगे। पिज़्ज़ा। अब कायरव, बेबी हम चले जाएंगे ना। पापा बोलना लीजा तो पिज़्ज़ा को, क्या मम्मा को ले आएंगे? किट्टू, तुम घर की चौखट मत लांघना बेटा। बेबी, पापा अभी नहीं आ सकते। क्या है ये, मम्मा यहाँ नहीं आ सकते, पापा वहाँ नहीं जा सकते, ये कैसी फैमिली है? पापा, आप दोनों की फाइट हुई है? बेबी, अब कोई फाइट नहीं हुई है, बस दोनों थोड़ा बिजी हैं। हम चलते हैं ना मम्मा के पास होटल, वहां जाके उनको मना भी लेंगे और अब पार्टी के लिए नए कपड़े भी लेके आएंगे। बेटा तुम क्यों अपना मन छोटा कर रहे हो? वो बच्चा तो अपनी माँ के पास गया है, तुम भी अपनी दुनिया में लौटा, जाओ जाके तैयार हो जाओ बेटा। किसी पराये से इतना मोह लगाना अच्छी बात नहीं है। दादी सही कह रही है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
जी दादी, मैं अभी तैयार होता हूँ। उन दोनों को लेके आ जाइए, मैं आपको आगे वाले मोड़ पर मिलती हूँ। थैंक यू। यहीं से टैक्सी में बैठती तो कायरव को पता चल जाता कि मैं यहीं थी, फिर क्वेश्चन पूछता कि मैं अंदर क्यों नहीं आई, और कहीं कार्तिक भी अगर कायरव के साथ बाहर आ जाता तो। इसलिए इस वक्त बेटर यही होगा कि अभी मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।